क्या आप 10वीं 12वीं विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी हैं? क्या आप अपने हुनर को जांचना चाहते हैं? नमस्कार, क्या आप कक्षा 10वीं कक्षा 12वीं विज्ञान वर्ग के पावटा क्षेत्र के विद्यार्थी हैं? आप इस सत्र 2024-25 में बोर्ड परीक्षा 10वीं या बोर्ड परीक्षा 12वीं की परीक्षा देने जा रहे हैं, तो आपके अब तक की तैयारी को जांचने के लिए RCI शिक्षा ग्रुप बानसूर की ओर से हम इंस्पायर अवार एग्जाम RSTH परीक्षा का आयोजन करने जा रहे हैं। इस परीक्षा से संबंधित विस्तृत जानकारियां मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। यह परीक्षा केवल पावटा क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए ही आयोजित की जा रही है। आप किसी भी प्राइवेट या फिर सरकारी स्कूल के विद्यार्थी हो सकते हैं। आपको आपके अब तक के जो भी पढ़ाया गया मैटर है उसमें से प्रारंभ के 50% कोर्स से इस प्रकार की यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सबसे पहले इसमें कक्षा 10वीं के और कक्षा 12वीं में केवल विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी ही भाग लेंगे, अन्य विद्यार्थी इसमें भाग नहीं ले पाएंगे। ये विद्यार्थी CBSE बोर्ड, RBSE बोर्ड, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम के हो सकते हैं। ये जो परीक्षा है इसे इंस्पायर्ड अवार्ड एग्जाम RSTH परीक्षा के नाम से जाना जाएगा। इस परीक्षा में विद्यार्थियों को विषय की मैं बात करूं, सब्जेक्ट की बात करें तो कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए मैथ्स और साइंस, विज्ञान और गणित जो है विषय के प्रश्न आपके पास आएंगे। उन प्रश्नों की संख्या 20-20 होंगी, पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। इसी प्रकार कक्षा 12वीं विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के 20-20 प्रश्न आएंगे। आपके पास दोनों ही कक्षाओं में जो पेपर होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर आएगा। 40 प्रश्न को सोल्व करने के लिए एग्जाम के दौरान आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा। मैं बात करना चाहूँगा, इसमें जो विद्यार्थी पार्टिसिपेट करेंगे उनको अपनी स्कूल में जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं सभी स्कूलों में अब तक 50% ही नहीं, लगभग 80-90 या 100% तक सिलेबस हो चुके हैं। आपको अपनी ही तैयारी जांचने का एक सुनहरा अवसर RCI एजुकेशन ग्रुप बानसूर की ओर से दिया जा रहा है। इसके साथ में आपके हुनर को, आपके प्रतिभा को RCI हब बानसूर की ओर से सम्मानित भी किया जाएगा। उस सम्मान में फर्स्ट जो स्टूडेंट्स रहेगा उस विद्यार्थी को बैग, प्रशस्ति पत्र, मेडल और 5100 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। साथ ही सेकंड पोजीशन जो स्टूडेंट्स लेंगे उनको बैग, प्रशस्ति पत्र, मेडल और 3100 रुपये, साथ ही थर्ड पोजीशन बैग, प्रशस्ति पत्र, मेडल के साथ में 2100 रुपये का नगद पुरस्कार विद्यार्थियों को दिया जाएगा। साथ ही जिन स्टूडेंट्स को इसमें 4th पोजीशन से 10th पोजीशन जो स्टूडेंट्स अचीव करेंगे उन सब विद्यार्थियों को भी इस परीक्षा के माध्यम से सम्मानित किया जाएगा। यह परीक्षा जो है उसकी डेट मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। इस परीक्षा में 20 अक्टूबर को, जो संडे रहेगा, 20 अक्टूबर को यह एग्जाम आयोजित होगा। इसके लिए जो विद्यार्थी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उनको सुबह 7:30 बजे रिपोर्टिंग करवानी है। इसके साथ ही 9 बजे से लेकर 10 बजे तक ये परीक्षा आयोजित होगी। इस परीक्षा का सेंटर पावटा क्षेत्र में ही SHM कॉलेज पावटा, जो वहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध और फेमस कॉलेज है, SHM कॉलेज पावटा में एग्जाम सेंटर रहेगा। वहाँ विद्यार्थियों को रिपोर्टिंग करनी है। मैं इसके साथ ही आप लोगों से बताना चाहूँगा, विशेष रूप से उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो अपने हुनर को बोर्ड परीक्षा से पहले ही, अपनी तैयारी को बोर्ड परीक्षा से पहले ही परखना चाहते हैं, जांचना चाहते हैं, वो सब विद्यार्थी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको RCI जो है बानसूर के कैंपस को या आने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए सारा काम आपको ऑनलाइन करना है। हाँ, एग्जाम आपका ऑफलाइन सेंटर के माध्यम से होगा। बाकी एग्जाम का जो फॉर्म आपको भरना है वो फॉर्म भरने के लिए आपको इसी वीडियो के साथ एक लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पर आप क्लिक करके वहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप वहाँ से क्लिक करके नहीं भर पाते हैं तो एक नंबर मैं आपको नोट करवाता हूँ,
77338558781 7733855881 इस मोबाइल नंबर को आप सेव कर लें। इस मोबाइल नंबर पर आप RCI या RSTH लिख करके व्हाट्सएप करें, उससे आपके पास एग्जाम से संबंधित जानकारी और प्रवेश फॉर्म का लिंक आपके पास आएगा। आप उसको जैसे कंप्लीट करेंगे, सबमिट करेंगे, आपके पास सबमिट करने के बाद 2 दिन के अंदर आपके पास एडमिट कार्ड आपके उसी मोबाइल नंबर पर जो आप उस फॉर्म में रजिस्टर्ड करेंगे आपके वही मोबाइल पर पहुंचेगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि जिस दिन परीक्षा होगी उस दिन आप इस प्रवेश पत्र की प्रिंट या हार्ड कॉपी आप अपने साथ में लेकर के आएँ। इसके अलावा पेन, पेंसिल और पैड ये भी आप साथ में लेकर के आएंगे, और एग्जाम सेंटर पर 7:30 बजे जब आप पहुंचेंगे तो वहां आपकी रिपोर्टिंग होगी। इसलिए सभी विद्यार्थियों से मैं कहना चाहूँगा, अभिभावकों से भी कहना चाहूँगा कि विद्यार्थी अक्सर तैयारी होने के बाद में अपनी तैयारी को जांचने का अवसर उसको दिसंबर या उसके बाद में स्कूल्स की ओर से उपलब्ध करवाया जाता है। हमारा इस एग्जाम को करवाने का मेन टारगेट कि विद्यार्थी अपनी तैयारी को अभी तक जितना कोर्स उसको करवाया गया उसी तैयारी से वो अपने अब तक की तैयारी को जांच सके, ताकि वह अपने हुनर, अपने टैलेंट को अब तक की तैयारी के आधार पर जांच सके। इसलिए आप इस परीक्षा का हिस्सा बने, आप इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करें, रजिस्ट्रेशन करने के बाद में इस परीक्षा को दें और आपके हुनर को मिलने वाले मान और सम्मान को आप प्राप्त करें। धन्यवाद, नमस्कार।